फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कोमल सिंह एंड हम लोग आज सब लोग घूमने गए थे महावीरन के दर्शन करने। एंड हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ प्रसिद्ध है। तो हम लोग सब लोग महावीरन आए थे घूमने के लिए एंड हम लोग ने फिर यहाँ से लड्डू लिए, फूल माला लिए। और ये महावीरन की रोड है, आपको ये ना अतरा रोड के आगे आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे अतरा रोड के बीच में ही है बांदा का और बहुत फेमस है ये। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो घूमने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है। तो हम लोग सब लोग, ये महावीरन का गेट था एंड इसके बाद हम लोग गए। तो यहाँ पे क्या बहुत बड़ा मेला लगा करता है, बट जब हम लोग यहाँ पे आए तो अभी यहाँ मेला का टाइम नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो हम लोग इस समय आए थे ना तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो अच्छे से दर्शन हो गए। और यहाँ पे बहुत लोग थे भी, ऐसा नहीं, बहुत लोग थे भी, तो हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो गए। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे तो सब लोगों ने यहाँ पे फूल माला, लड्डू वगैरह जो भी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है तो हम लोगों ने वहाँ से लिया था। और इसके बाद हम लोग यहाँ मंदिर आए और मंदिर आने के बाद हम लोग ने यहाँ पे एंट्री की एंड यहाँ से हम लोग क्या परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन किए। तो हम लोग परिक्रमा लगा रहे थे और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ना क्या कीर्तन हो रहा था, राम जी का भजन हो रहा था। यहाँ हवन होता है और यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ पे बैठ के ना भजन कीर्तन कर रहे थे। हनुमान जी का मंदिर है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मंदिर के पीछे का पार्ट है तो यहाँ पे हम लोग सब लोग मत्था टेकते हैं। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे तो हम लोग सब लोग यहाँ पर मत्था टेक के और यहाँ से परिक्रमा करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख के सब लोग मन्नत यहाँ पे सबकी पूरी होती है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं तो मन्नत पूरी करते हैं तो उनकी पूरी हो भी जाती है, मन्नत मांगते हैं ना तो मन्नत पूरी हो भी जाती है। ये है हनुमान जी, महावीर जी, एंड बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत सुंदर लग रहे थे। तो हम लोगों ने पूजा किया और प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद का भोग लगाया। और यहाँ पे देखिए आपको ना मंदिर के बिल्कुल जस्ट बाजू में ही आपको यहाँ पे तालाब मिल जाता है। एक समय होता है कि इस तालाब में ना बहुत सारे कमल निकलते हैं, बहुत सारे। फिलहाल अभी इस टाइम तो कमल नहीं निकला था बट मतलब यहाँ पे निकलता तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी लोग देखे दर्शन करने आए हुए थे, काफ़ी भीड़ हो रही थी धीरे धीरे करके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ होती है और जब मेला यहाँ पे लगता है तो और ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो हम लोग इस टाइम आए थे ना तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी और वैसे भी ये सावन का महीना चल रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए, बांदा आइए तो महावीरन ज़रूर घूमिए। तो हम लोग ने दर्शन कर लिया था और दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जाने लग गए। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पे शॉप लगी हुई थी छोटी छोटी सी, तो यहाँ पर सब लोगों ने सामान वगैरह भी लिया तो अच्छा लग रहा था। और ये मेरी बड़ी सिस्टर है एंड मेरी फैमिली भी आई थी तो हम लोग ने यहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग घूमते हुए वहाँ से रिटर्न हुए और उसके बाद हम लोग कहाँ गए हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, हम आगे आपको बता दें कि हम लोग आगे कहाँ घूमने गए। फिर हम लोग यहाँ से आ गए थे नवाब टैंक, नवाबों का टैंक बना हुआ था, नाम तो छोटा सा है नवाबों का टैंक, नवाब टैंक, बट इतना भारी है यहाँ पर
कि इतना सुंदर व्यू था, काफ़ी पानी था, काफ़ी ज़्यादा पानी था, और यहाँ बहुत ज़्यादा भी पानी हो जाता है। और यहाँ पे देखे बहुत ही अच्छा लग रहा था, सावन का महीना था तो सब हरा हरा अच्छा सा दिख रहा था, और बारिश का मौसम भी होने वाला था। तो हम लोग जिस टाइम घूमने गए थे, देखिए ये सबसे अच्छा एरिया है, यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ शाम टाइम इंसान बहुत लोग घूमने आते हैं, तो हम लोग गए थे, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय किए, पिक खींचे, वीडियोस बनाए, तो काफ़ी अच्छा। देखिए यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, कितना भारी फ्लैग लगा हुआ है ये, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने फिर यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो खींची, एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद क्या है कि नवाबी टैंक के सामने बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ था, तो हम लोग फिर पार्क के लिए निकल गए थे। तो हम लोग पार्क के लिए गए तो वहाँ पर भी घूमे ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये रोड के मतलब उस पार ही पार्क है, और इधर साइड नवाब टैंक है। नवाब टैंक में बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं नवाब टैंक की, आप लोग एक बार सर्च करके देखिएगा, बांदा का फेमस है ये नवाब टैंक। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं घूमने के लिए, सुबह शाम ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ना ये पार्क है, तो यहाँ पे घूमने के लिए ना बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो हम लोग गए थे घूमे। और आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाते हैं जो हम लोगों को देखने को मिली। और फिर हम लोग यहाँ पे गेट से गए, एक ही गेट है यहाँ का, तो हम लोग गेट से मतलब यहाँ से एंट्री किए। आपको वन चेतना केंद्र के नाम से आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये देखिए वन चेतना केंद्र के नाम से आपको यहाँ पे गेट, पहला गेट मिल जाता है, और रिटर्न भी यहीं से होना पड़ता है। लेकिन काफ़ी बड़ा यहाँ पे पार्क है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे। और हम लोगों को ना यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला, हम दिखाते हैं आपको, कि हम लोगों को ना यहाँ पे सांप की जो होती है ना, सांप का घर बोलते हैं जिसे, वो हम लोग को फर्स्ट टाइम देखने को मिला। मैंने लाइफ फर्स्ट टाइम देखा था, कभी नहीं देखा आज तक, ये देखिए। तो बहुत डरावना भी लग रहा था, कहीं सांप वाप होता, तो हम लोग ने वहाँ पे देखा। और फिर हम लोग वहाँ से घूमने के बाद हम लोग वहाँ से फिर रिटर्न हुए। और फिर रिटर्न होने के बाद हम लोग कहाँ गए उसका भी वीडियो आपको दिखाते हैं, तो आप लोग देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या लिया आगे जाके। एंड वीडियो आप इंजॉय करिए। फिर हम लोग वहाँ से घूमने के बाद, पार्क से घूमने के बाद हम लोग गए, तो हम लोग बहुत ही अच्छी जगह पहुँचे। वहाँ पेड़ बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे नर्सरी पे, तो हम लोग नर्सरी गए, तो वहाँ से हम लोग ने काफ़ी पेड़ लिए, बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ थे, तो काफ़ी पेड़ हम लोगों ने लिए वहाँ से। और पेड़ लेने के बाद हम लोग वापस गए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ऐसा करती हूँ कि आप लाइक करेंगे ही, सब्सक्राइब करेंगे ही, अगर वो दोनों नहीं करें तो आप डिसलाइक ही कर दीजिएगा, बट करके ज़रूर जाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड